हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी लोकसभा 2024 में प्रधानमंत्री कैसे बनेंगी। बहन कुमारी मायावती जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि न तो वह इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी, ना ही वह तीसरा मोर्चा बनाने जा रही हैं। वह लोकसभा 2024 का चुनाव अकेले लड़ेंगी। इसके बाद भी जातिवादी और बिकाऊ मीडिया दिन प्रतिदिन बहन जी के खिलाफ भ्रामक खबरें फैलाता है, ऐसे ऐसे अफवाह फैलाता है जिससे बहन जी को नुकसान हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब ने कहा था कि मीडिया हमारा है ही नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर भी मीडिया का विरोध करते थे। वह अपने जमाने में आज के गोदी मीडिया को कांग्रेसी मीडिया कहा करते थे। इसलिए गोदी मीडिया की दिखाई गई खबरों पर बिल्कुल विश्वास न करें। जितने भी बहुजन समाज के यूट्यूब चैनल हैं, जो सोशल मीडिया हैंडल हैं, उसको आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वहीं पर आपको बहुजन समाज से संबंधित न्यूज और खबरें मिलेंगी। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी इस देश के दलितों, शोषितों, वंचितों की इकलौती ऐसी पार्टी है जो बहुजन मिशन को लेकर के, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को लेकर के चलती है। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में जो काम कर दिया वह मिसाल बना हुआ है। आज तक उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाया। चाहे वह कानून व्यवस्था की बात हो, नौकरियों की बात हो, जो बहुजन समाज पार्टी ने कर दिया वह आज भी लोगों के लिए एक मिसाल बना हुआ है। बहुजन समाज पार्टी ने अपने सभी लोकसभा सीटों पर धीरे धीरे प्रत्याशियों की घोषणा कर रही हैं, जिसमें देखने को ये मिल रहा है कि बसपा जो अपनी रणनीति बनाकर चल रही है उसमें दलित समुदाय के साथ साथ सबसे ज्यादा महत्व मुस्लिम समुदाय के लोगों को दिया गया है। यानी कि दलित मुस्लिम एकता बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पे जो जागरूक ओबीसी समाज के लोग हैं, जो नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सत्ता में आए, वो भी बहन कुमारी मायावती जी का साथ दे रहे हैं। इस बार ओबीसी एससी एसटी समाज के लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि मोदी जी 5 किलो राशन पकड़ा करके सारी चीजों को महंगा कर चुके हैं, जिसका भार उठाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। देश के लोग यह भी जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके देश के सभी नेताओं के ऊपर प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। बीजेपी के इन सभी गलत नीतियों का फायदा बहुजन समाज पार्टी को होगा, क्योंकि जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है उसमें अभी भी इतना टूट मचा हुआ है कि इंडिया गठबंधन के जो नेता थे वह इंडिया गठबंधन का आए दिन साथ छोड़कर जा रहे हैं। एक बहुजन समाज पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो अभी भी अकेले चुनाव लड़ रही है और सभी से ताकतवर और मजबूत दिखाई दे रही है। अगर सब कुछ ठीक रहता है, दलित मुस्लिम के साथ साथ जागरूक ओबीसी समाज के लोग वोट करते हैं, तो बहुजन समाज पार्टी इस लोकसभा 2024 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सकती है।